देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन दाखिल करने के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य विपक्षी नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट आल्वा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है।